अच्छा एक बात बताएं जब आ, 1950 के पहले या अंग्रेजों ने सीएनटी एक्ट बनाया था तो सीएनटी एक्ट में आदिवासियों की जमीन कोई ले नहीं सकते थे उस वक्त 1907 में या 1909 में जब भी आ, अंग्रेजों ने टाटा कंपनी को जमशेदपुर की जमीन या काली माटी की जमीन या सिंगुम की जमीन टाटा कंपनी को दिए वो किस कानून के तहत तो उसको दिया जब उस समय सीएनटी लागू था कुर्मियों की जमीन भी सी एन टी में थी आदिवासियों की जमीन भी सी एन टी में थी जो कहा जाता है तो ये किस कानून के तहत तो उनको टाटा कंपनी को दिया गया और आपने अभी खुद कहा कि पंद्रह हजार सात सौ स्क्वायर फीट एकड़ एकड़ जमीन सात सौ पच्चीस एकड़ जमीन टाटा कंपनी को दिया गया और आज के समय में मैं समझता हूँ करीब अठारह हजार के आसपास अठारह हजार एकड़ के आसपास टाटा कंपनी जमशेदपुर के सिंहभूम की जमीन को कैप्चर करके रखी है तो वो किस नियम के तहत किए हुए हैं सबसे पहले मुझे बताइए कि सी एक्ट के तहत जमीन होते हुए टाटा कंपनी को अंग्रेजों ने किस नियम के तहत दिया देखिए एक तो आपको झारखंड का इतिहास तो आपको पता है थोड़ा बिरसा थोड़ा। बिरसा मुंडा से लेके कितने लोग हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है ना कितने नाम है मतलब मैं, तो मैं नाम गिनाऊंगा तो फिर आपका इंटरव्यू नहीं होगा है ना हाँ वो सब हम लोग पढ़े हैं उस पर किताबें हैं बिरसा मुंडा जी का बहुत नाम है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जितनी बहादुरी से वो काबिले तारीफ है तो आप समझिए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अठारह में कानून बनाया लैंड एक्ट एक्ट का Act. मतलब उनका था कि भाई हम आपको एक नोटिस देंगे आपकी जमीन लेंगे हिंदुस्तान में कहीं भी उसमें झारखंड एक बहुत बड़ा क्षेत्र था इसमें कोई डाउट नहीं हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई क्षेत्र जहां पे लैंड एकविजीशन के तहत लैंड लिया जा सकता था आप वो भी जान लीजिए आज इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं तो वो झारखंड था मेन जानने का जी जानने का वो... मतलब आप गलत अभी अभी का झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ हाँ, मानभूम के मानभूम अंग्रेजों को पता था कि सबसे बड़ा कोई क्षेत्र जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत लेना है तो वो मानभूम है है ना क्योंकि यहाँ मानभूम में कौन कौन सा एरिया था ये भी जरा बता दीजिए आप कौन कौन सा एरिया मतलब जैसे जो पुरुलिया इधर आपको कौन कौन सा क्षेत्र है बीरभूम नहीं नहीं, जैसे, जैसे जो है वो हमारा क्षेत्र है मयूरभ जो है वो हमारा क्षेत्र है है ना तो ये जो उड़ीसा में जो मानभूम मैं मानभूम इसलिए कह रहा हूँ कि आप नक्शे में मानभूम देख सकते हैं तो मानभूम में जितने जिले आते हैं वो सारे हमारे जिले हैं वो ना उड़ीसा का है ना बंगाल का है ना बिहार का है बिहार में अब नहीं बचा बिहार अब एकदम जो क्या नाम है वहां कोई पथरीला एरिया शायद नहीं बचा थोड़ा बहुत कुछ होगा तो होगा बॉर्डर लाइन पे नहीं तो अब बिहार में कुछ बचा नहीं बिहार का सारा एरिया जो मानभूम का था वो झारखंड में आ गया तो मानभूम जो है उस समय सबसे बड़ा इलाका था जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में अक्वायर होना था आप ही जान लीजिए और भी क्षेत्र थे लेकिन मानभूम से बड़ा जगह नहीं था हिंदुस्तान में तो आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जब ये कानून बनाया तो उनके दिमाग में मानभूम प्रोमिनेंटली रहा होगा सबसे सबसे पहले रहा होगा इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन आदिवासियों ने जिस तरीके से लड़ा अपनी अपनी अपने अस्तित्व के लिए अपने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अपने जमीन के लिए अपनी संस्कृति के लिए अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए वो उससे अंग्रेज बहुत डर गए आपको मालूम है कि अंग्रेज चालीस हजार अंग्रेज थे चालीस हजार अंग्रेजों ने भारत के चालीस करोड़ लोगों पर शासन किया आप समझ लीजिए कि कैसे लोग हैं हम लोग है ना और अंग्रेज किसके साथ लड़े ये आदिवासी किसके साथ लड़े अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी लड़े कितने अंग्रेज मारे गए तो वो, वो हमारे लोग थे और वो गैर आदिवासी थे आदिवासी लोग जिनके खिलाफ लड़े वो गैर आदिवासी हिंदुस्तान के ही लोग थे है ना अंग्रेज उनके केवल नेता थे अंग्रेज उनको बताते थे उनको क्या करना है है ना तो हमारे ही लोग आके गैर आदिवासी लोग आके हमारे ही लोगों को मारे आदिवासी लोगों को और आदिवासी लोगों ने जिनको मारा वो भी हमारे ही लोग थे लेकिन वो गैर आदिवासी थे बस ये कन्फ्लिक्ट था है ना तो इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ जैसे अठारह संता, की क्रांति भी हुई तो ये सारे जो विद्रोह हिंदुस्तान में हुए झारखंड के इलाके झारखंड में या पूरे ऑल पूरे देश के स्तर पर जैसे अठारह का विद्रोह इन सारे से अंग्रेज प्रभावित नहीं हुए ऐसा नहीं है वो बहुत डर डर के रहे यहाँ उनको मालूम था कि हम चालीस हजार लोग हैं अगर हिंदुस्तान के लोग आदिवासी गैर आदिवासी अगर मिल जाते तो चालीस हजार अंग्रेज काट दिए जाते हैं यहाँ है ना बचे नहीं मेरे दादाजी पर आरोप लगा था दो अंग्रेजों को मारने का आपको मैं बताता हूँ तो चालीस सोचिए मेरे दादाजी दो आदमी जिन पर आरोप लगा था उनको सजा हुई उनको टीवी हो गया वो मारे गए तो आप समझिए कि हिंदुस्तान में चालीस करोड़ लोग थे अगर एक एक थप्पड़ मार देते तो चालीस करोड़ अंग्रेज जो है वही मर जाते उनकी सबकी समाधियां बन जाती यहां, है ना भारत एक साल भी गुलाम नहीं रहा गुलाम नहीं रह पाता है ना लेकिन जानते थे अंग्रेज की जो यहाँ जाति विभाजन है जो धर्म का विभाजन है इनको विभाजित रख के शासन किया जा सकता है इन्हीं लोगों को समाज में काफी विभेद विभेद है तो जो लड़ाइया हुई वो क्या नाम है आदिवासी बनाम गैर आदिवासी हो गई लड़ाई होना चाहिए था आदिवासी बनाम अंग्रेज गैर आदिवासी बनाम अंग्रेज लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना जालियाला बाग में गोलियां चलाने वाले कौन लोग थे अंग्रेज कितने थे अंग्रेज ने तो आदेश दिया था सब तो गोली गोलियां चलाने वाले तो आप ही थे भारत के लोग थे और चलाया भी अपने ही लोगों पर है ना तो ये इससे प्रभावित थे वो मैंने डरे हुए थे तो उनको लगा कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं तो उन्होंने 1908 में

जो जिला है जिले से बाहर नहीं जाएगा माने जिले के बाहर का कोई दूसरा अगर आदिवासी आके इस जिले में जमीन खरीदे तो भी नहीं होगा ट्रांसफर बहुत अच्छी व्यवस्था की लेकिन लैंड एक्ट क्यों एक सीएन टी एक्ट उन्नीस सौ आठ भी है और लैंड एक अठारह सौ चौरानवे भी, भी है अगर सी एन टी एक्ट बना तो आपको सीएन टी एक्ट में ही लिखना था कि जहां जहां सी एन टी एक्ट लागू होगा वहां वहां लैंड एक्ट लागू नहीं होगा नहीं किया तो सीएनटी एक्ट बनाने के बाद भी अंग्रेजों को 1907 में अंग्रेजों अंग्रेजों ने टाटा को 1907 में जमीन दी और सीएनटी एक्ट होने के बावजूद 1909 से लेके 1919 तक 15,725 एकड़ जमीन टाटा को उन्होंने कब्जा करके इससे आदिवासियों से छीन के दिया उसमें बड़ी बड़ी जो साइजेबल जो साइजेबल जो जमीन है वो यहाँ के कुर्मियों की है जैसे आपको मालूम है कि यहाँ डिमना में जो जमीने है, वो आदिवासी को गैरकानूनी तरीके से टाटा ने लिया वो एक किसी दूसरे इंटरव्यू में हमसे पूछिएगा कि वो क्या कहानी है है ना उसके बाद आपको पता है कि स्वन्डेखा में स्वर्णरेखा नदी पर जो चांदी में डैम बना उसमें सबसे ज्यादा जमीने जो है कुर्मियों की गई और उसका पानी पर किसका नियंत्रण है आज की तारीख में आपने तो कहा कि एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हैं सिंचाई के लिए कहाँ सिंचाई कर रहे हैं उस पानी से उस पानी पर तो आज टाटा का कब्जा है तो एक तरफ उन्नीस बना दिया यहाँ के आदिवासियों को बेकूफ़ बनाने के लिए के लैंड ट्रांसफर नहीं होगा आदिवासियों को लगा कि अच्छा है गैर आदिवासी ने वो भी जरूरी था कि गैर आदिवासी हमारा लैंड नहीं ले सकते हैं अगर गैर आदिवासी ले ले पाते तो पूरा का पूरा झारखंड अभी गैर आदिवासियों को हो जाता है अभी तो केवल जमशेदपुर बेकारो धनबाद रांची जैसे शहर में गैर आदिवासी आए हैं अगर ये ये नहीं होता सी एन टी और दूसरा जो कानून है संथाल परगना में जो लागू है तो फिर आप समझिए कि आज यहां आदिवासी होते नहीं

तो ये अंग्रेजों ने बनाया और कांग्रेसियों ने बहुत ही प्लान ढंग से और नेहरू जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया आप ये समझ ये समझ लीजिए बहुत बड़ा अपराध हुआ हिंदुस्तान में खासतौर पर झारखंड के मानभूम के मैं फिर झारखंड जुबान पे चढ़ा हुआ है मानभूम के तमाम आदिवासियों के साथ ये बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मानभूम को आपने राज्य नहीं बनाया और उसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए जी तो अब आप समझ गए आपके सवाल का जवाब कि कैसे दिया गया मैं समझ गया कि किस तरह से टाटा कंपनी आज पूरे एरिया को कैप्चर करके रखी हुई है तो अच्छा जैसे टाटा कंपनी इस जमीन को लेने के बाद यहाँ के लोगों की यहाँ के जो लोग विस्थापित हुए जमशेदपुर के जो काली माटी के भूम के उन लोगों को उन लोग आज कहाँ है किस अवस्था में कुछ आप बता सकते हैं देखिए ये सारे लोग तो लोग तो भगा दिए गए हैं जैसा आपने कहा कि लगभग सत्रह हजार से अठारह हजार एकड़ जमीन पर इसका कब्जा है तो वो कब्जा इन्होंने जबरदस्ती किया गुंडों की मदद से अब देखिए कहानी कैसे कहानी को समझना जरूरी है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो जमीन लिया गया उस कानून में यह लिखा हुआ है कि आप उस जमीन को दो कारण से ले सकते हैं फैक्ट्री बनाने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है पब्लिक बनाएं, 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 है इंटरेस्ट चाहिए अस्पताल हमको चाहिए स्कूल चाहिए कॉलेज चाहिए उसके लिए आप बना सकते थे डीसी ऑफिस भी एक सार्वजनिक जगह है है ना तो वो आप उसके लिए ले सकते थे या फैक्ट्री बनाने के लिए लेकिन फैक्ट्री तो बनाई नहीं इन्होंने फैक्ट्री बनाया केवल अठारह सौ इकहत्तर 1873 एकड़ लैंड के आसपास शुरू में जो फैक्ट्री इन्होंने बनाई और आप समझ लीजिए कि दूसरे जो कंपनीज हैं जैसे टाटा मोटर्स वगैरह इस तरह की कंपनी मतलब तो आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो करीब तीन हजार हज, एकड़ जमीन पर फैक्ट्रियां बनी और 500-600 एकड़ जमीन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो कितना बचा पंद्रह में से अगर आप आ, चार एकड़ भी बाहर कर देते हैं करीब बारह हजार एकड़ बच गया बारह हजार एकड़ जो है जमीन वापस हो गई कानूनन आदिवासियों को लेकिन कहां है आदिवासी वो तो बाहर है वो तो घुसा ही नहीं फिर वापस एक बार जब उनको खदेड़ दिया गया और बाकी भी हजार से हजार दो हजार एकड़ लाइन पर जब इन्होंने अपने गुंडों की मदद से कब्जा किया तो खदेड़ दिए गए उनको समझ में नहीं आया कि भाई हम मेरी ही जमीन से हमको क्यों खदेड़ा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे आदिवासियों के पास तो कोई खतियान नहीं था ना यहां जो कुर्मी और आदिवासी है उन्होंने जमीन बनाई जमीन उनकी थी उनके बाप दादों ने बनाई पूर्वजों ने बनाई उस जमीन पर खेती करते आ रहे थे, उस जमीन पर रहते आ रहे थे किसी ने आगे एक नोटिस देके कहा कि अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है मेरी हो गई। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या चक्कर है वही लैंड करके फिर यहां से आदिवासियों की जमीन बिहार सरकार ने लिया है नाइडा के नाम से तो समझिए कि हुआ कैसे ये सारा कुछ ये समझना जरूरी है तो कायदे से साढ़े बारह बार हजार से ज्यादा एकड़ लैंड और जो इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है वो तो वो तो आदिवासियों के पास चला गया था भी उनका लेकिन उनको देने लेने नहीं दिया गया क्यों नहीं लेने दिया गया बिहार के जो कांग्रेसी सरकार थी जिसमें सब के सब भ्रष्ट थे बिहार में जो सरकार बनी कांग्रेसियों को उसमें कोई भी ईमानदार आदमी नहीं था सारे के सारे भ्रष्ट थे 1947 के 1947 के के बाद बाद जो भी सरकार बनी कोई भी उसमें ईमानदार आदमी नहीं था मैं दावे के साथ कहता हूं डंके की चोट पे कहते तो सबके सब बेईमान सब थे इसलिए मैं कांग्रेसियों के बारे में सुनता हूं कांग्रेस ही तो मेरे दिमाग में अच्छा बेमान होगा भाजपा ही सुनता हूं तो मैं तुरंत समझता हूं कि अपराधी होगा बेईमान होगा और दंगाई होगा इसके सिवाय मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं है तो जो भ्रष्ट कांग्रेसी हैं उन कांग्रेसियों ने इसको टाटा का लीज कहना शुरू कर दिया लीज कह रहे टाटा का की जमींदारी कहना शुरू कर दिया और ये हमको कब पता चला 1987 में मेरी उम्र सतासी अठासी में पहली बार कमिश्नरेट बना था शायद आपको पता होगा डीसी हल्दर पहला डीसी बना था जमशेदपुर का शायद आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे उस समय हम लोग एक यहाँ का विश्व हिंदू परिषद का नेता था धुरंधर सिंह तो काशी डी में करीब चालीस परिवार मुस्लिमों का आंध्रा से विस्थापित मुस्लिम थे तो वो लोग यहाँ बसे हुए थे उसको उसने अपने गुंडों के द्वारा उजाड़ दिया तो वहां पे एक हम लोगों ने अनशन शुरू किया था डीसी में तो पहली बार मेरा उससे पहले एस डी ऑफिस डीसी ऑफिस में कभी गया कई बार गया था लेकिन मुझे ध्यान मेरे मेरे ध्यान में वो बात आई नहीं थी और वो इतनी महत्वपूर्ण बात है और वो चीज तब से मेरे दिमाग में जो मेरे अंदर गई उसके बाद मैं उसके पीछे पड़ा कि अरे ये क्या मैंने देख लिया उन्नीस सौ समय मेरी मैं लॉयर नहीं था मेरी उम्र बीस साल थी मेरे मैंने तुरंत तुरंत ग्रेजुएशन किया था वो भी साइंस में बायो साइंस में केमिस्ट्री में में, मैं मैं ऑनर्स हूँ तो मुझे लॉ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेकिन इतना पता था कि लैंड अह जमींदारी जो है वो अबोलिश हो गई 1950 में उस डीसी ऑफिस के अंदर में टाटा का एक दफ्तर था उसके ऊपर में लिखा हुआ था टाटा जमींदारी ऑफिस 1987 की बात मैं 1987 88 की बात बता रहा हूं जब हम लोग वहां पे क्या नाम है ये अमरानंदन था भूख हड़ताल था ठीक है ना उसमें तो मैंने देखा मैंने कहा कि ये क्या है और उसमें टाटा के ऑफिसर आके बैठते थे अच्छा। में। मंत्री थे उनको शर्म ना उसके नेताओं को शर्म बेसर्म सब ये लोग डीसी ऑफिस में टाटा का एक दफ्तर बना के रखे जिसमें लिखा हुआ था कि ये टाटा की जमींदारी ऑफिस है कमाल है भाई 1950 में जिस कानून को हम लोगों ने हटा दिया खत्म कर दिया एबॉलिस कर दिया उसी नेहरू की सरकार ने उसी कांग्रेसियों की सरकार ने उसी कांग्रेसियों ने बिहार में टाटा ने जिस जमीन पर कब्जा बना के रखा था गैर कानूनी ढंग से उसके लिए अपने दफ्तर में डीसी के दफ्तर में एक दफ्तर बना के लिख के रखा था कि ये टाटा का टाटा की जमींदारी ऑफिस है मैंने ऐसा अद्भुत चीज जो है आपको दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा लेकिन फिर बाद में टाटा के साथ उनका झगड़ा शुरू हुआ देखिए टाटा का जो यहाँ जमीन पर कब्जा है

तो लेकिन इनको बिजनेसमैन बनाया मानभूम ने अब मानभूम से इन्होंने पैसा बनाया अब पॉलिटिशियन जो बिहार के थे उन्होंने कहा कि भाई पैसा खाली तुम्हारा थोड़ी है पैसा में हमारा भी हक है आदिवासी का पैसा चोरी किए हो तो हमको भी दो तो कांग्रेस का क्या जो पहला चीफ मिनिस्टर था वहां से लेके लालू यादव तक इन तमाम लोगों ने पैसे बनाए टाटा से और इन तमाम लोगों ने अपने लोगों को नौकरी दिलवाए टाटा से इन तमाम लोगों ने टाटा से फायदे लिए इन तमाम लोगों को क्वार्टर स्टाटा के मिले जमीन किसकी थी आदिवासी की के लोगों की, आदिवासियों की जो जमीन ऑलरेडी लॉ चला गया था आदिवासी लोगों के पास में लेकिन फायदा किसने उठाया बिहार के पॉलिटिशियन ने नहीं उठाया उसके बाद आप जानते हैं झारखंड समन्वय समिति बना तिरपन संगठनों का वो संगठन था जिसमें मैं भी था बो, मैं बहुत छोटा था बच्चा कह सकता हूँ अठा, अठारह बीस साल की मेरी उम्र थी लेकिन पहली बार मैंने देखा कि हम लोगों ने झारखंड समन्वय समिति की तरफ से पूरे झारखंड में बंद किया उससे पहले किसी की क्षमता नहीं थी बंद किया और वो सारा चीज मिलके उसने दूसरे झारखंड पार्टी के का कंट्रीब्यूशन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कंट्रीब्यूशन है जितने लोग थे जितने लोगों ने झारखंड जितने छोटे बड़े संगठन थे तो जिन्होंने सबकी छोटी बड़ी भूमिका थी इन सबको मिला के एक एक सिचुएशन ये बना कि सरकार को लगा कि भाई अब कोई रास्ता नहीं हमको झारखंड बनाना पड़ेगा है ना तो झारखंड बना अब देखिए कि झारखंड बनने से एक और क्या बेमानी हुई जिसकी वजह से टाटा इस पर काबिज है जब बिहार सरकार के साथ इनका कंफ्लिक्ट डिमांड बढ़, बढ़ गया नेताओं का कि अभी जितना दे रहे हो उसे हम संतुष्ट नहीं है और ज्यादा दो है ना तो टाटा को लगा कि यह संभालना बहुत मुश्किल होगा तब उन्होंने कहा कि भाई तब यह जमीन तुम्हारी रहेगी नहीं उनको मालूम था कि यह जमीन गैर कानूनी ढंग से टाटा के पास है तो उनके पास रही नहीं मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनको मालूम था कि यह कानूनी जमीन है ठीक है ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो इनको इंडिकेट करते रहे कि हम ये फैसला देंगे नहीं फैसला देंगे तो आपको मुश्किल होगी आप इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो आज मैं खुल के कह रहा हूं ये बात ये बात नहीं जानते हैं लोग ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है ये ये बहुत बड़ी बात है ये कोई नहीं जानता। मैं सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया इनको कि मैं फैसला नहीं दूंगा आप इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करिए उसके बाद ये लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की दिशा में गए

Uh, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 उस कानून में उन्होंने संशोधन किया 1901 1972 में किया था उसमें इंट्रोड्यूस किया सेवन डी और एक उन्नीस में किया या बिरासी में शायद उसमें एक इंट्रोड्यूस किया सेवन ई जब आप पढ़ेंगे ना तो आप हंसेंगे ये 7D और सेवन ई का कुछ लेना देना जमशेदपुर की जमीन से नहीं है <laughs> न तो गवर्नमेंट ग्रांट से है न तो गवर्नमेंट क्या नाम है लैंड आपको बताया नहीं कि में दूसरा कानून बनाया था एक साल के बाद क्योंकि लैंड आप ले सकते थे लैंड में दे नहीं सकते थे तो देने का कानून बनाया Government, Government Act, ये पंचानवे में बना तो इन्होंने लैंड लिया आदिवासियों का लैंड दिया टाटा को गवर्नमेंट ग्रांट्स के तहत करेक्ट तो टाटा के पास जो जमीन थी वो गवर्नमेंट ग्रांट्स की जमीन थी और गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है अपने टेनर से चलता है मतलब उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं उससे चलता है वो कानून आप उसके बाहर जाएंगे तो वो आपका जो एक्विजिशन आपका जो लैंड है वो कैंसिल हो जाएगा तो मैंने जैसे बताया कि इन्होंने यूज नहीं किया तो बारह हजार एकड़ साढ़े बारह हजार एकड़ लैंड, लैंड तो ऐसे ही कैंसिल हो गया था उसके तहत है ना और उस उस लैंड को आप बदल नहीं सकते थे ये गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट में ही है उसके टेनर में लिखा हुआ है कि आप उसका नेचर नहीं बदल सकते मतलब गवर्नमेंट ग्रांट लीज में नहीं बदल सकता है लेकिन इन कांग्रेस के कौंग, बदमाश कांग्रेसियों ने क्या किया वो जान लीजिए जा कहानी क्योंकि अब मैं जानता हूं कि ये, अब पूरा झारखंड सुनेगा इस पूरी कहानी को तो मैं पूरी कहानी ही बता देता हूं आपको तो हाँ तो सेवन एट और सेवन सेवन डी और सेवन ई -E, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक बहत्तर में एक तिरासी में और उसके बाद इन्होंने कहा कि उसके तहत हमने जो गवर्नमेंट ग्रांट्स की जमीन टाटा को दी गई थी उसको अब हमने अक्वायर कर लिया अरे कमाल है आप एक सेंट्रल कानून है गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1895। एक स्टेट का कानून है बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है सेंट्रल कानून को अपने में क्या नाम है उसको उसको सुपरसीड कर जाएगी वो कहेगी कि नहीं भाई अब तो ये गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट जो है वो हमारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का 1950 का पार्ट हो गया इससे बड़ा नॉनसेंस कुछ नहीं हो सकता है लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट्स की पंद्रह एकड़ लैंड को कहा कि अब यह लैंड एक्विजीशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट उन्नीस का हिस्सा हो गया इसके तहत हमने इसको एडॉप्ट कर लिया, कर लिया। आ, नहीं उसको क्या कहता अक्वायर कर लिया एक्विजीशन हो गया और इस लैंड को अब हम लीज में दे रहे हैं अब देखिए कमाल ये सब बिहार के कांग्रेस ही कर सकते थे जी, जी. है ना कमाल देखिए लीज जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के तहत परिभाषित है लीज़ कौन कर सकता है है जिसका जमीन है, वो कर सकता है जी. या कोई लेसी है मतलब किसी को लीज में मिला है और उसको ये अधिकार दिया गया है कि आप सब लीज कर सकते हैं तो मतलब दान में जो अगर मिला हो नहीं सब लीज भी जैसे मान लीजिए मेरी जमीन हमने आपको लीज कर दी और उसमें अधिकार दिया कि आप चाहे तो किसी और को भी सब लीज कर दे ठीक है जैसे ज़... बिहार गवर्नमेंट की अपनी जमीन होती जमशेदपुर उसको टाटा को दिया होता इस प्रोविजन के साथ कि टाटा इसको सब लीज करे तब तो कोई गड़बड़ था नहीं लेकिन वो तो बिहार गवर्नमेंट की लीज थी नहीं जमीन नहीं थी बिहार गवर्नमेंट की जो जमीन है वो जो मिलना है वो आपका टू से 296 में जो मिलना है टू मिल... नाइनटी मतलब संविधान सरकारी जो जमीन था उसको संविधान का, की, का की 300, 294 से लेकर दो सौ छियानवे अनुच्छेद तो जो लैंड था वो तो टू नाइन्टी थ्री टू नाइनटी फोर के तहत आपको पता था कौन सा लैंड था जमशेदपुर की जमीन तो आपकी थी नहीं है तो आदिवासियों की जमीन थी चूंकि अंग्रेजों टाटा ने वायलेट किया था Uh, उसका टर्म्स एंड कंडीशन तो बारह साढ़े बारह हजार एकड़ जमीन ऑलरेडी वेस्ट कर गई थी आदिवासियों के बीच में आदिवासियों जिस जिसकी जमीन थी लेकिन इन लोगों ने अलाउ नहीं किया इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके ये सारा ड्रामा किया कि उन्होंने कहा कि हमारा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 जो है सुपर कर गया गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट जो कि सेंट्रल एक्ट था और वो जमीन जम, जमशेद कर लिया अडॉप्ट करके हमने उसको अब ट्रांस देखिए कितना कानून आ गए एक साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत हमने उसको लीज कर दिया एन तो ए बदमाशी हुई छोटी अच्छा, मोटी बदमाशी नहीं है जी, 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 तो बहुत, बहुत, ये बहुत बड़ा अपराध है लोग जानते नहीं है इस बात को खैर आप सवाल पूछिए तो जो, जो जो आपने जो कहा कि लीज के तहत टाटा कंपनी को दिया गया जैसे उनका कहना है तो क्या उसी लीज तहत उसी कानून के तहत टाटा कंपनी अभी जो वर्तमान हालात में प्राइवेट कंपनीज को जो जमीन दे रही है क्या उसी कानून के तहत दे रही है क्या उसका टाटा कंपनी को यह हक है कि उस जमीन को प्राइवेट किसी कंपनी को या किसी मॉल को किसी दूसरे को दे बेच सकती है या भाड़े में लगा सकती है देखिए इसका जवाब तो लोग समझ जाएंगे जो मैंने पहले कहा कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को लीज में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं पहली बात तो यह कि गवर्नमेंट कांट गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट जो है वो एक सेंट्रल कानून है ठीक है उसको कोई स्टेट का कानून जो बिहार का बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था वो सुपरसीड नहीं कर सकता है पहली बात तो ये तो तो जब सुपरसीड नहीं कर सकता है बिहार तो सरकार उस जमीन को ले ही नहीं सकती थी है ना और चूंकि सेंट्रल एक्ट था और सेंट्रल एक्ट में सेक्शन टू है मतलब गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट में सेक्शन टू है सेक्शन टू ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट विल हैव नो एप्लीकेशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है वो जो गवर्नमेंट ग्रांट्स ही रहेगा वो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट का जो कानून है वो लागू ही नहीं होगा मैंने एक्सक्लूड कर चुका ऑलरेडी कानूनी एक्सक्लूड कर चुका उसके एप्लीकेशन को तब बताइए कि जो जिस कानून ने एक्सक्लूड कर दिया ऑलरेडी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट को वो कैसे लागू होगा और कैसे लागू है जमशेदपुर में अब टाटा क्या करती है कि हमको तो बिहार सरकार ने लीज दे दिया और हमको सब लीज करने का पावर है तो अब इनका लीज और सब लीज चला आया ट्रांसफर ऑफ ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट एक्ट में लोग Grant, लोग भूल भूल गए गए ग्रांट ग्रांट सेक्शन गवर्नमेंट जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लागू ही नहीं होगा इस पर है ना मैं उस उस कानून को उठा के कांग्रेसियों ने फेंक दिया डस्टबिन में और उसको कहा कि अब ये मेरा हो गया हमने इसको अडॉप्ट कर लिया अंडर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 और उसके बाद उसको उन्होंने लीज कर दिया तो आप समझ लीजिए कि जमशेदपुर में जो साढ़े बारह हजार एकड़ जमीन जो दूसरे के पास है जो सबलीज कहलाते हैं ये सब गैर कानूनी है पूरा का पूरा गैर कानूनी है टाटा कंपनी आज और सुन लीजिए टाटा टाटा केवल केवल यही नहीं किया है टाटा यहाँ की लैं, लैंड लैंड रेवेन्यू कलेक्टर है मालूम है आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्टर कौन है लैंड डिपार्टमेंट डीसी को ना कलेक्ट करना चाहिए पैसा कहाँ जाना चाहिए सरकार के पास ना लेकिन ये जो सारा सबलीज टाटा ने किया उसका पैसा टाटा लेती है वही मैं कहना था उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा बिहार के सॉरी झारखंड के रेवेन्यू में जाता है मतलब उसके उसका जो राजस्व है उसमें बहुत ही छोटा हिस्सा जाता है पानी बेचती है हमारा पानी स्वर्ण रेखा का पानी और डिमना का पानी बेचती है टाटा सरकार ने अभी हलफनामा देके कहा है झारखंड हाई कोर्ट में कि साढ़े चार सवा चार सौ करोड़ का ये पानी बेचती है और हमको केवल दो करोड़ रुपया सालाना देती है आप जानते हैं नहीं मालूम है पानी किसका है आदिवासियों का पानी है बेचती है टाटा चार सौ से ज्यादा करोड़ पर साल हर साल कमाती है और उसमें से दो करोड़ सरकार को देती है और आपको पानी नहीं मिलता है मेरे पास एक आजसू के नेता आए थे उन्होंने कहा कि सर देखिए ना हम टाटा ने एक बार कहा था कि जमशेदपुर में जो आदिवासी लोग हैं हम उसको लैंड देंगे कमाल है तो कमाल देख लीजिए जमीन आदिवासियों की और टाटा की हिमाकत देखिए कि टाटा कहती है कि हम आप आदिवासी हैं इसलिए आपको हम प्लॉट देंगे और उस प्लॉट के लिए कुछ नेता के नेता हैं और भी कई लोगों ने अप्लाई किया वो प्लॉट टाटा ने नहीं दिया उनको उनकी जमीन टाटा उनको नहीं दे रही है प्लॉट जमीन जमीन तो छोड़ जमीन तो छोड़ दीजिए उसने कब्जा किया जमीन का एक छोटा प्लॉट टाटा नहीं दे रही है क्यों क्योंकि तो उनको लगता है कि अगर ये यहां बस गए तो ये नेता है ये लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे इसलिए उसको नहीं दे रही है ये सच्ची बात मैं आपको क्या पंद्रह बीस दिन पहले की बात मैं कोर्ट में था जमशेदपुर कोर्ट में दो तीन मसले थे उसमें

जमशेदपुर दुनिया का सबसे गैर कानूनी शहर है इतना बड़ा गैर कानूनी शहर आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा जी। है ना ये मैंने कोर्ट में कहा खुलेआम और वहां टाटा के वकील मेरे बगल में खड़े थे <laughs>